सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हर खबर सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, रेलवे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए काफ़ी अच्छी खबर है और उनसे RELHS स्कीम के तहत सब्सक्रिप्शन के रूप में चार्ज किए गए ज़्यादा पैसे का वापस भुगतान किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए रेलवे बोर्ड की तरफ से 21 जून 2018 को एक आदेश जारी कर दिया गया है और इसमें रेलवे बोर्ड ने साफ आदेश दे दिया गया है कि ऐसे सभी रेलवे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स जिनसे RELHS यानी रिटायर्ड एम्प्लॉयज लिबरलाइज हेल्थ स्कीम के तहत ज़्यादा पैसा चार्ज किया गया है, उनको उस पैसे को वापस किया जाए। तो इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि क्या है ये पूरा मामला, तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम होगा, बाकी केंद्रीय कर्मचारियों को दी जा रही जो हेल्थ सुविधा है उसी के पैरेलल रेलवे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए भी रिटायर्ड एम्प्लॉयज लिबरलाइज्ड हेल्थ स्कीम चल रही है और इसमें जो भी रिटायर्ड पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स हैं उन्हें एक मुश्त सब्सक्रिप्शन चार्ज देना होता है और वो इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। तो इसमें ये हुआ था कि सातवां वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार जो नई रेट थी वो रिवाइज हुई थी की गई थी रेलवे बोर्ड के द्वारा 23 फरवरी 2017 को एक आदेश जारी किया गया था उसके अनुसार, और जो नई रेट थी वो इस प्रकार थी कि उस पेंशनर्स या फिर जो एम्प्लॉई है उसके लास्ट मंथ की बेसिक सैलरी और या फिर इस टेबल में जो रेट दी गई है लेवल के अकॉर्डिंग उस उन दोनों में से जो कम थी वो उन्हें सब्सक्रिप्शन के रूप में पेमेंट करना था उस अमाउंट का। तो लेवल एक से लेकर लेवल पाँच तक वाले जो थे उन्हें 30,000 देना था या फिर जो उनकी बेसिक पे थी लास्ट मंथ की उसमें से जो कम थी वो देनी थी, तो इस टेबल के अनुसार उन्हें भुगतान करना था। लेकिन ये जो आदेश था वो लागू हुआ था 23 फरवरी 2017 से, तो ऐसे सभी रेलवे एम्प्लॉयज जो कि 1 जनवरी 2016 से 22 फरवरी 2017 के बीच में रिटायर्ड हुए थे उन्हें ज़्यादा पैसा देना पड़ा था इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए, क्योंकि जो सेवंथ पे कमीशन था वो लागू हुआ था 1 जनवरी 2016 से और ये जो स्कीम की नई रेट है वो लागू हुई थी 23 फरवरी 2017 से। तो क्योंकि इन सभी रेलवे एम्प्लॉयज जो कि इस पीरियड के बीच में रिटायर्ड हुए हैं उनकी बेसिक सैलरी काफ़ी बढ़ गई थी और उन्हें ज़्यादा भुगतान करना पड़ा था, तो इन्होंने ये रिक्वेस्ट किया था या फिर रिप्रेजेंटेशंस डाली थी कि उनकी जो ये रेट है नई रिवाइज्ड रेट सब्सक्रिप्शन की उन्हें 1 जनवरी 2016 से लागू किया जाए और रेलवे बोर्ड ने अब इस मांग को मान लिया है और ये बेनिफिट उन सभी रेलवे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को दे दिया है जो कि 1 जनवरी 2016 से लेकर 22 फरवरी 2017 के बीच में रिटायर्ड हुए हैं उन सभी से, यानी पुरानी रेट से पैसा वसूला जाए और जो भी पैसा अधिक उनसे चार्ज किया गया है उसका उन्हें पूरी तरह से रिफंड किया जाए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मे बी रिफंडेड, तो इसका फ़ायदा इन सभी पेंशनर्स को अच्छा होगा कि उन्हें जो इस पीरियड के बीच में रिटायर्ड हुए हैं उन्हें पैसा वापस रिफंड किया जाएगा और इसके लिए आपको कोई भी तरीके की एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं है और ये काम करना होगा उस सभी ऑफिस को जहाँ से पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स लास्ट में रिटायर्ड हुआ था उनके जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है वो इसको पास करेगा और इसके लिए पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स से किसी भी तरीके की एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि इसके लिए दिस वुड बी डन विदाउट एनी एप्लीकेशन फ्रॉम द एम्प्लॉय और फैमिली पेंशनर्स, तो काफ़ी अच्छी खबर है। कैसे सभी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स जो कि 1 जनवरी 2016 से लेकर 22 फरवरी 2017 के बीच में रिटायर्ड हुए हैं उनको RELHS स्कीम के तहत सब्सक्रिप्शन के लिए चार्ज किए गए पैसे का वापस भुगतान किया जाएगा और उनके अकाउंट में सीधा ये पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। खबर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें जिससे वो भी इस खबर का लाभ उठा सकें और